इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज आपका क्योंकि कल एग्जाम भी सस्पेंड किया है फिलहाल के लिए स्थगित किया है और मुझे लगता है कि JKSSB जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी तो एग्जाम जल्द कराए जाएंगे। सर क्या एजेंसी को लेकर सवाल उठाए गए थे, क्या हर एक पहलू को देखा जाएगा? जो आपने कहा कि पिछली सरकारों में जो है आतंकवाद, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आयोटा भी डाउट होगा किसी चीज में तो ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो ये हमारी प्राथमिकता है और उससे कोई कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। सर महबूबा मुफ्ती ने आप पे निजी हमला किया है, उन्होंने कहा कि LG साहब यूपी से आए हैं, यूपी में माफिया को जो है नौकरी दी जाती होगी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होगा। मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि 47 लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। कब नियुक्त हुए थे मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा, तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है उसमें काफ़ी तथ्य। सर जम्मू कश्मीर का बजट जो आया है सर, इस बार सुरक्षा पे ज़्यादा फोकस किया गया है, 1200 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया गया है। आप आज दिल्ली भी जा रहे हैं, तो सर क्या माना जाए कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा देखा गया कि सुरक्षा को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, 12 पैरामीटर्स पे 1200 करोड़ रुपया खर्च? मुझे लगता है कि पूरे टोटैलिटी में बजट को देखना चाहिए। मोटे तौर पर 70% आबादी हमारी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर आधारित है। मुझे लगता है कि जो हमने प्लान बनाया होलिस्टिक डेवलपमेंट का, उसमें भी बजट में अच्छा प्राविधान किया है। आने वाले 5 साल तक 5,013 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा हम जब तक का बजट हमारा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का था उसमें इंक्लूजन करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर के लिए प्राथमिकता है, उसका भी ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि टूरिज्म, यूथ एम्पावरमेंट और एजुकेशन ये सेक्टर भी हैं जिसमें हमने काफ़ी फोकस किया है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 19 से एक नई शुरुआत हो रही है, मुझे लगता है कि तो इन टोटलिटी मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। ये नए जम्मू कश्मीर की जो नींव रखी गई है उसकी बुला इमारत को बुलंदी सर अटैक को लेकर जांच की मांग की जा रही है, जांच करवाई जाएगी सर? मुफ्ती निजी हमले कर रही, कह रही कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ का जम्मू का होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? या तो आप सुन नहीं रहे थे जब मैं बोल रहा था या आप कुछ और कर रहे थे, तो एक सवाल का जवाब एक ही बार दिया जाता है। सर दिल्ली में कुछ मीटिंग्स भी हैं,